2024 निर्वाचन पूर्व बड़ राजनैतिक हलचल तमिलनाडु रे बीजेपी को शक्त झटका। बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए मेंटर ओहरिला एआईएडीएमके। बीजेपी सह संपर्क भांगिथिबा नै विधिवत घोषणा करिछि दल। ए संपर्क रे सूचना देइछंती एआईएडीएमके रो साधारण संपादक केपी मुनुस्वामी। गत एक वर्ष धरी एआईएडीएमके रो पूर्वतन नेता साधारण सचिव पलानीस्वामी एवं श्रमिकों उपरे अनावश्यक मंतव्य देउछंती बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए, जहाँ नहीं दलर सांसद विधायक और जिला मुख्यमानकु चेन्नई स्थित मुख्यालय में बसिथिला बैठक आउ शेषरे सर्वसम्मति क्रमे एही प्रस्ताव पारित होईछि। बीजेपी और एनडीए सह सबु प्रकार संपर्क छिन्न करिछि एआईएडीएमके। बीजेपी तमिलनाडु मुख्य के अनामलाई एआईएडीएमके रो पूर्वतन मुख्यमंत्री सीएन अनादुराई को संपर्क रे विवादीय टिप्पणी करथिले। यहाकु नै बीजेपी सह एआईएडीएमके संपर्क तुटेबा को निष्पत्ति नेथिला। तथापि शनिवार दिल्ली रे एआईएडीएमके को बुझेबा को बीजेपी सबु प्रकार प्रयास करथिला, किंतु दल निज जिद रे अटल रहिथिला। हेले बीजेपी पक्षर कौन प्रकार पदक्षेप नाला, तेणु एवं एआईएडीएमके संपर्क छिन्न करने को निष्पत्ति नहीं। चर्चा होबे एनडीए छाड़ी विरोधी आईएनडीआईए मेंटरे सामिल हेब दल, किंतु यह खंडन करिछि एआईएडीएमके। दल कहिछि 2024 लोकसभा निर्वाचन रे एक अलग मोर्चार नेतृत्व नब। वर्तमान दुईटी प्रमुख मिलित मंच रही, एथिरे गोटिए हेउची बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए एवं अन्यटी कांग्रेस टीएमसी आप समेत 28 विरोधी दलर आईएनडीआईए मेंट। देशरे एबे अनेक दल रही जिकि एबे भी एनडीए एवं आईएनडीआईए रो अंश होइनाहती। जमिति तेलंगाना रो सीएम केसीआर को भारत राष्ट्रीय समिति, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का वाईएसआर कांग्रेस, ओडिशा रो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बिजू जनता दल, सांसद असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस ए इतेहादुल मुस्लिम पार्टी समेत अनेक दल। तेणु तमिलनाडु रे भी एकाकी निर्वाचन लड़िब एआईएडीएमके। अनेपटे किछि दिन तले सनातन धर्म को नहीं विवादीय टिप्पणी देथिले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का पुओ उदयनिधि स्टालिन। आउ एबे एआईएडीएमके एनडीए रो हाथ छाड़ा पर जोर धरी दक्षिणी राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24x7।